जी धन्यवाद। मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवा नागेश्वर राव जी, होममेकर टू किंग मेकर, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन बिहाफ ऑफ माय बीआरएस पार्टी एंड माय लीडर केसीआर गारु। चेयरमैन, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पहले 1996 में, उस टाइम में देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर था और वो बिल जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फिर 12th लोकसभा में भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उस टाइम में वाजपेयी साहब ने, स्वर्गीय वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री था, उस टाइम में भी पास नहीं हो पाया। फिर 13th लोकसभा में भी ये बिल आया था और उस टाइम में भी ये बिल जो है पास नहीं हो पाया। फिर अभी 15th लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में आने के बाद ये बिल पास नहीं होता। अभी 5th टाइम जो है, ये 5th टाइम है ये बिल जो है इधर आया है। पहले तो ये बिल को दिल खोल के और पूरा समर्थन करना चाहता है हमारा पार्टी का तरफ में, मगर ये जो वुमन रिजर्वेशन बिल के बारे में बोलने के पहले दो बात जो है ना बोलना चाहता है। 2014 में तेलंगाना बना था, तेलंगाना जब बना था उस टाइम में हमारा लीडर केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद, गवर्नमेंट June 2, 2014 में बना था और इमीडिएटली 12 दिन के अंदर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन पर वुमेन पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% देने के लिए हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट बनने का 12 दिन के अंदर June 14, 2014 में ये गवर्नमेंट को ये रेजोल्यूशन भेजा है। अभी 10th ईयर है, ये 10 साल है कम से कम अभी लाया है, ठीक है। और उसी तरह से जब हमारा गवर्नमेंट बन गया और महिला लोगों को हर एक तरीके से जो हम लोग सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो है ना हमारा सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमपीपी, विलेजेस का महिला लोगों को भी हम लोग 50% रिजर्वेशन दिया है हमारा स्टेट में। उसी तरह से म्युनिसिपैलिटी में भी दिया है और उसी तरह से जो है ना कॉर्पोरेशन में भी दिया है और उसी तरह से भारत देश में कोई स्टेट में नहीं होगा, एग्रीकल्चर मार्केट कमिटी में भी हम लोग जो है ना 33% रिजर्वेशन दिया है, बाकी सब में जो है 50% दिया है। और जब ये जो सर कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है आपका, आपका जब बोलने का क्रम आए तब आप अपनी बात रखें। अभी ऑनरेबल मेंबर को बोलने दीजिए प्लीज। अभी आप जी इसलिए क्यों दर्द हो रहा है हमको समझ में नहीं आया, पहले के बारे में बात करने का टाइम भी रोक। नागेश्वर राव जी आप अपनी बात कहिए प्लीज। सब अभी जी चेयरमैन साहब अभी ये बिल जो कल जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 334 ये उसके बारे में तो काफी हमारा साथी भी लोग भी जो है उसको पॉइंट को रेज किया था। सबसे ज्यादा उसमें सेंसस के बारे में बात किया है, डिलिमिटेशन के बारे में बात किया है। और अभी 2014 में हम लोग का इलेक्शन आ रहा है, हम लोग का डिमांड ये है इमीडिएटली ये बिल जो है ना रिजर्वेशन 33% का जो रिजर्वेशन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे, इमीडिएटली जो है ना अभी इलेक्शन में ये करे, अदरवाइज इसको जो है ना ये कम से कम ये बता दे कब तक जो है ना ये डिलिमिटेशन होगा, कब तक जो है ना ये सेंसस जो है ना कंप्लीट करेगा, उसका टाइम पॉइंट भी थोड़ा बता दे, उसी के साथ जो है ना ये बिल को पूरा हम लोग मदद कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीमती भावना गवली जी।